छोटे बच्चों को एक पेड़ से परिचित कराने का एक असाधारण तरीका उससे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करना है। और ये महान हस्ती ऑटोग्राफ देने में नानुकर करने वाली भी नहीं। ऑटोग्राफ लेने के लिए क्या चाहिए? ऑटोग्राफ बुक और पेन। हाँ, तो आज भी हम एक पेड़ की पेड़ के नीचे का हिस्सा। फिर पेंसिल निकालो और उसे कागज पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाओ। अपनी आंखें बंद करो और पेंसिल की नोक से बस कागज पर छिक 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 करो। अब पेड़ के पत्ते की छाप लेंगे। पत्ता किस ओर का? निचले से यहाँ पे। अब पत्ते को पेड़ की छाल पर रखकर ऊपर से एक कागज रख दो। देखो कितना आसान है ना ये। हाँ। देखा, इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे अपने उत्साह में पेड़ पौधों से उनकी पत्तियां न तोड़ें, बल्कि इसके लिए पेड़ से गिरे हुए पत्ते ही काम में लाएं। अंत में आकृति या आकार के अनुसार ऑटोग्राफ या वर्गीकरण करने और उस पेड़ या पौधे से वापस उसका मिलान करने से बच्चों के देखने परखने की शक्ति तेज होती है।